महानगर पालिका के जेर एहतमाम जारी। वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम एक अहम मालूमाती और दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं। आइए चलते हैं सीधे सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपकी ज्योग्राफिया की किताब और इसी किताब से हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1 मकामी वक्त और मेयारी वक्त। जरा याद कीजिए तो जमीन पर दिन और रात के अवकात साल भर क्यों बदलते हैं? दुनिया के नक्शे में हर एक दर्जे फासले से खींचे हुए तूलुल वलद की तादाद कितनी है? किस वजह से सूरज मशरक से मगरिब की समत जाता हुआ दिखाई देता है? जमीन की महवरी गर्दिश की समत बताइए। जमीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज कितने तूलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं? किस तूलुल बलद पर दिन बदलता है? कदीम जमाने में वक्त की पैमाइश किस तरह की जाती रही होगी? आज वक्त की पैमाइश के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता है? इन सवालों के जवाब आप यकीनन जानते हैं, इसलिए कि गुज़िश्ता बरसों में मुख्तलिफ अज़बात में इन सवालों के जवाब आपने पढ़े हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जोग्राफियाई वजाहत। हम सुबह उठकर दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, जमात में पढ़ते हैं, घर वापस आते हैं, शाम को खेलने के लिए मैदान पर जाते हैं, रात में खाना खाते हैं और दांत साफ करके सो जाते हैं। दिन भर हम इसी तरह मुख्तलिफ कामों में मशगूल रहते हैं। दिन भर के इन मशागिल पर गौर करें तो हर काम का वक्त मुकर्रर करने की जरूरत महसूस होती है। कदीम जमाने में वक्त की पैमाइश के लिए लोग कुदरती वाकयात और वसाइल की मदद लिया करते थे। मुशाहदे और तजुर्बे की बुनियाद पर वो दिन की तकसीम दर्ज ज़ैल तरीके से करते थे। सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का अरसा दिन और गुरूब आफ्ताब से सूरज के तुलू होने तक का वक्त रात है। एक तुलू आफ्ताब से लेकर दूसरे तुलू आफ्ताब तक का वक्त एक यौम यानी पूरा दिन या एक दिन कहलाता है। कदीम जमाने में किसी कुदरती वाकये के हवाले से और रेत घड़ी, आब घड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके वक्त बताया जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। जमीन की महवरी गर्दिश के लिए
24 घंटे यानी एक यौम का अरसा लगता है। सूरज जिस समत से तुलु होता है उसे हम मशरक कहते हैं। इस नौ से गौर करें तो जमीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। जमीन की इसी महवरी गर्दिश की वजह से हम तुलू आफ्ताब, दोपहर, गुरूब आफ्ताब, रात, निस्फ शब का अंदाजा कर सकते हैं। महवरी गर्दिश के दौरान मगरबी समत के तुलुल बलग यके बाद दीगरे सूरज के सामने आते हैं और मशरिकी समत के तुलुल बलग बितरतीब अंधेरे में चले जाते हैं। जो तुलुल बलग सूरज के सामने आते हैं वहां सूरज तुलु होता है। इसके बरअक्स जो तुलुल बलग अंधेरे में चले जाते हैं उन तुलुल बलग पर सूरज गुरूब होता है। प्यारे बच्चों, आपने मुशाहिदा किया होगा कि बस में सफर करते वक्त खिड़की से बाहर देखें तो हमें दरख्त, बिजली के खंभे, इमारतें वगैरह हमारी मुखालिफ समत में सरकते हुए महसूस होते हैं, हालांकि वो अपनी जगह मुस्तहकम होते हैं और हमारी बस आगे दौड़ती रहती है। बिल्कुल इसी तरह ज़िया अपने महवर पर घूमने की वजह से सूरज का मकाम हर दिन मशरिक से मगरिब की जानिब सरकता हुआ महसूस होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक अमली काम आपके लिए है। किसी खूब रोशन दिन में खो खो खेल के मैदान पर जाकर दर्ज ज़ैल अमल आपको करना है। फिलहाल लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और ये मुमकिन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब स्कूल शुरू होंगे और खो खो खेल के मैदान पर आप जाएं तो कुछ नुकात यहाँ दिए गए हैं, उनको अपनाते हुए ये अमली काम उस वक्त लॉकडाउन के बाद आप जरूर कीजिएगा। खो खो मैदान में गढ़े हुए खंभों में से दिन भर धूप में रहने वाले एक खंभे का इंतखाब कीजिए। दिन भर मुख्तलिफ औकात में उस खंभे का साया किस समत में पड़ता है उसका मुशाहिदा कीजिए। साये की लंबाई नापिए और उसका इंदराज बयाज़मी कीजिए। साये और सूरज की समतों का बयाज़मी इंदराज कीजिए, शक्ल 1:1 में बताया गया है। और फिर आपको ये भी बताना है, गौर करना है कि साया जब सबसे छोटा होता है उस वक्त आसमान में सूरज कहाँ होता है। इस पर भी गौर करना है कि साया दिन भर में किस वक्त तवील दिखाई दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं और जोग्राफियाई वजाहत समझने की कोशिश करते हैं। सुबह और शाम को साया बहुत तवील रहता है जबकि दोपहर में बहुत छोटा, मुशाहिदे के जरिए समझ में आया होगा। खंभे के ताल्लुक से कहा जाए तो आसमान में सूरज का मकाम बदलने की वजह से खंभे के साये की लंबाई और समत बदलती है, शक्ल 1:1 में बताया गया है। इसकी वजह गर्दिश के दौरान सूरज के सामने
जमीन का मखसूस हिस्सा आना और आगे निकल जाना है। शक्ल 1:2 आप देखिएगा। इसी जमन में एक और बात हमारे तजर्बे में आती है, वो ये कि सुबह और शाम को हवा की तपिश यानी गर्मी में कमी महसूस होती है, जबकि दोपहर में गर्मी ज्यादा होती है। यह है शक्ल 1:2, महवरी गर्दिश और सूरज के तनाजुर में मकाम। आइए अब हम मकामी वक्त के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तुलुवे आफताब के बाद सूरज जैसे जैसे आसमान में ऊपर सरकता है, हमारा साया छोटा होता जाता है। दोपहर के वक्त उमूमन हमारे साये की लंबाई सबसे कम होती है। दोपहर के बाद सूरज मगरबी उफक की जानिब सरकने की वजह से शाम होने तक हमारा साया फिर तवील होता जाता है। रूए जमीन पर दोपहर का वक्त एक ही तूलुल बलद पर यानी दायरे कुतुब शिमाली से दायरे कुतुब जुनूबी तक हर जगह एक जैसा होता है। किसी मकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मकाम के जरिए तय कर लिया गया वक्त उस मकाम का मकामी वक्त कहलाता है। किसी मकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मकाम के जरिए तय कर लिया गया वक्त उस मकाम का मकामे वक्त कहलाता है। कुतुबी दायरे से लेकर कुतुब के इलाके में अलबत्ता मौसम के लिहाज से पूरा यौम 24 घंटे से भी ज्यादा का हो सकता है, इसलिए इन इलाकों में तुलुए आफ्ताब, दोपहर, गुरुबे आफ्ताब, आधी रात के अवकात को समझ लेना जरूरी होता है। कुतुब पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कुतुब पर तुलु या गुरुब आफ्ताब का वक्त बताने के लिए तारीख बतानी पड़ती है। वहां किसी तारीख को सूरज तुलु हो जाए तो वो मुतवातर उफुक पर घूमता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वहां साया और साये की लंबाई का ख्याल दोपहर के लिए नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ तूलुल बलद पर तुलुए आफ्ताब, दोपहर और गुरुबे आफ्ताब के अवकात मुख्तलिफ होते हैं। मुंबई में जब दोपहर का वक्त होगा उस वक्त कोलकाता में ये हालत नहीं होगी। कोलकाता मुंबई के मशरकी जानिब के तूलुल बलद पर वाक़े होने की वजह से वहाँ दोपहर का वक्त पहले ही हो चुका होगा। रुवे ज़मीन पर किसी मकाम का मकामी वक्त दोपहर के हवाले से तय किया जाता है, इसीलिए किसी तूलुल बलद पर मकामी वक्त एक जैसा होता है। मकामी वक्त महदूद इलाके में इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं होती। मगर तूलुल बलद के लिहाज से वसी इलाके के लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक होने पर मकामी वक्त का इस्तेमाल मुगालता पैदा कर सकता है, इसलिए ऐसी सूरत में
مقامی وقت کا استعمال مفید نہیں ہوتا. اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، زمین کو ایک محوری گردش یعنی 360 درجے پورا کرنے کے لیے تقریباً 24 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. زمین ایک گھنٹے میں 360 درجے تقسیم 24 گھنٹے برابر 15 درجے اپنے اطراف گھومتی ہے. زمین کو ایک درجہ گردش کرنے کے لیے 15 درجے بٹے 60 منٹ یعنی 4 منٹ درکار ہوتے ہیں. ہر ایک درجے کے فاصلے کے طول البلد کے مقام وقت میں 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے. ایک اور عمل آپ کو کرنا ہے، یہ عملی کام ہے. بنیادی طول البلد کے وقت کے حوالے مختلف طول البلد کے مقامی وقت کو معلوم کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ذیل کی مثالوں کا مطالعہ آپ کو کرنا ہے. بتائیے تو بھلا، ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں میں مقامی وقت الگ الگ ہوتا ہے. وہاں کے لوگوں کے روزمرہ کے کام وہاں کے مقامی وقت کے مطابق ہی ہوتے ہیں. شکل 1.3 میں مختلف طول البلد کا مقامی وقت دیا ہوا ہے. اس نقشے کا بغور مطالعہ کر کے دیے ہوئے سوالوں کے آپ کو جواب لکھنے ہیں. اس کے لیے درجوں کا فاصلہ اور وقت میں نسبت قائم کیجیے. آئیے اب سوالات. شکل 1.3 دیے ہوئے نقشے میں دن ظاہر کرنے والا علاقہ کن طول البلد کے درمیان ہے؟ دیے ہوئے نقشے میں دن ظاہر کرنے والا علاقہ کن طول البلد کے درمیان ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال، شکل 1.3 نیو اورلینز میں ایڈورڈ کس طول البلد پر واقع ہے؟ اگلا سوال، شکل 1.3 اکرا شہر میں کیا وقت ہوا ہے؟ اگلا سوال، شکل 1.3 اس وقت پٹنہ کا شرد اور ٹوکیو کا یا کوئٹو کیا کر رہے ہیں؟ ان شہروں میں کیا وقت ہوگا؟ اگلا سوال 1.3 کوئی ایک طول البلد کا انتخاب کیجیے. اس طول البلد کے ایک درجے مشرق اور مغرب طول البلد کا مقامی وقت بتائیے. شکل 1.3 نقشے میں کس طول البلد پر دوپہر اور کس خط پر آدھی رات ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں زمین کے کسی مقام پر جب سورج سر پر آتا ہے تب وہاں دوپہر کا وقت ہوتا ہے؟ آدھی رات سے دوپہر تک کے وقت کو انگریزی میں بیان کرتے وقت عدد کے سامنے اے ایم لکھتے ہیں،
इसका मतलब एंटी मेरिडियम होता है। जब महवरी गर्दिश की वजह से कोई तूलुल बलद दोपहर के वक्त से आगे सरकता है, उस वक्त उसे दोपहर के बाद का वक्त या जमाना कहा जाता है। दोपहर से आधी रात तक के वक्त को अंग्रेजी में बयान करते वक्त अदद के आगे पीएम लिखा जाता है, यानी पोस्ट मेरिडियम। आइए जोग्राफियाई वजाहत समझते चलते हैं। किसी भी तूलुल बलद के मशरकी तूलुल बलद का वक्त आगे होता है, इसी तरह मगरिब की जानिब के तूलुल बलद का वक्त पीछे होता है। जैसे जैसे दो तूलुल बलद के दरमियान का फासला बढ़ता है, उसी नासिबत से उनका मकामी वक्त भी बढ़ता जाता है। दो मकामात के तूलुल बलदी दर्जों के तरजाती फर्क को 4 मिनट से जर्ब दें तो ये मालूम हो जाता है कि इस मकाम के मकाम वक्त का फर्क कितने मिनट का है। तूलुल बलद का फासला नक्शे या ग्लोब के जरिए मालूम किया जा सकता है। मेयारी वक्त जरा बताइए तो भला। मुंबई 73 दर्जे मशरकी तूलुल बलद पर और कोलकाता 88 दर्जे मशरकी तूलुल बलद पर वाके हैं। दोनों शहरों के तूलुल बलद का फर्क बयान कीजिए। मुंबई में मकामी वक्त के लिहाज से दोपहर के 3 बज रहे हों तो उस वक्त कोलकाता का मकामी वक्त क्या होगा? मुंबई और कोलकाता ये दोनों शहर भारत ही में हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ तूलुल बलद पर वाके हैं। इनके मकामी वक्त में 1 घंटे का फर्क है। किसी मुल्क में तूलुल बलद के मुताबिक मुख्तलिफ मकामी औकात का लिहाज रखें तो मुल्क भर में रोजमर्रा के मामलात में यकसानियत और मुताबिकत नहीं रहेगी। मुल्क में हर मुकाम के मकामी वक्त के मुताबिक कामकाज किए जाएं तो रोजमर्रा के कामों में बदनज़मी पैदा हो जाएगी। इसलिए उमूमन मुल्क के मरकजी मकाम से गुजरने वाले तूलुल बलद के मकामी वक्त को मेयार बनाकर उसे उस मुल्क का मेयारी वक्त तस्लीम किया जाता है। मुल्क के सारे मकामात पर काम काज के लिए उसी मेयारी वक्त का इस्तेमाल किया जाता है।